इस वीडियो में हम पाई के बारे में सब कुछ जानेंगे, यानी पाई नेटवर्क की पूरी कुंडली निकालेंगे। कुछ सवाल जैसे कि पाई क्या है, पाई नेटवर्क क्यों कहते हैं, पाई सच में जेन्युइन यानी असली है कि कोई बड़ा घोटाला है, ये स्कैम तो नहीं है, पाई मोबाइल ऐप डाउनलोड करें कि नहीं, पाई के मोबाइल ऐप में सिक्योरिटी सर्कल क्या है, पाई की वैल्यू कितनी है, क्या मैं पाई को रुपये में या डॉलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पाई से कुछ खरीद सकता हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेहनत करने वाला आम इंसान जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन वाला सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है, वो भी कैसे पाई जैसी क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग कर सकता है, और वो भी टेक्निकल नॉलेज के बिना। इन सब सवालों से भी कुछ ज़्यादा आज जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेटा मित्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक पजल के एल्गोरिदम पर काम करती है। उसके बाद धीरे धीरे क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियाँ अपना अपना एल्गोरिदम लेकर बन चुकी है और ब्लॉकचेन सिस्टम में बन रही है। अब उन सभी क्रिप्टो करेंसी को बनाने में यानी माइनिंग करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी वाले सुपरफास्ट प्रोसेसर या ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग होता है, जो कि बहुत महंगा मिलता है, और इन सब का सेटअप करके उसको 24 घंटे चलाना पड़ता है, जिसके लिए बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। अब ये सब करने के बाद भी जो क्रिप्टो करेंसी बनती है, वो तो बनाने वाले को ही पता रहता है कि ये तरीका कितने फ़ायदेमंद है या लॉस वाला है। तो इसी तरीके से बिल्कुल उल्टा सोचने वाले ये डॉक्टर निकोलस कॉकलिस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD करे हुए हैं, इन्होंने ब्लॉकचेन सिस्टम और इथेरियम के आने से पहले स्मार्ट प्रोग्राम बनाए थे। इनको वो क्रिप्टो करेंसी वाला महंगा वाला तरीका पसंद नहीं था। क्रिप्टो करेंसी की टेक्निकल, फाइनेंशियल और सोशल क्षमताओं के लिमिटेशन से वो निराश थे, इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी एक साधारण इंसान के हाथों में भी आ सके और लोग पहले से अधिक जानकर उसका उपयोग कर सके। इसी सोच को लेकर पाई नेटवर्क की नींव रखी, जिस तरह 2009 के आसपास बिटकॉइन शुरू हुआ था और आज एक बिटकॉइन की कीमत 30 से 40 लाख रुपए के आसपास है। ये जो आप देख रहे हैं वो पाई नेटवर्क की टीम है, जिन्होंने जुलाई 2019 में यह स्टार्ट किया था। आइए इसकी वेबसाइट देखें, mind.py इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ व्हाइट पेपर में सारी जानकारी दी है। यहाँ लास्ट में देखें तो इसके ये तीन फेज है, पहला डिज़ाइन, दूसरा टेस्टनेट और तीसरा मेननेट। पहले दो कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा 14 मार्च 2022 को शुरू होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पाई क्या है। उसको जानने से पहले इतना जानें कि पाई मुफ्त का पैसा नहीं है, पाई इज़ नॉट फ्री मनी। यह एक लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे तक चलने वाला प्रोजेक्ट है, जिसकी सफलता इसके नेटवर्क में जुड़े हुए मेंबर्स के सामूहिक योगदान पर निर्भर करती है। यानी जितने लोग पाई से जुड़ेंगे, इसका माइनिंग करेंगे और बाद में इसका उपयोग करेंगे, तब इसकी सफलता देखने को मिल सकती है। पाई आम लोगों के लिए एक नई क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो कॉइन है, जिसे आप अपने फ़ोन से माइनिंग कर सकते हैं या यूं कहो कमा सकते हैं। पाई नेटवर्क क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये आम लोगों के नेटवर्क से चलता है, यानी कि आप इस नेटवर्क में जुड़ना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे इंसान का इनविटेशन कोड चाहिए जो पहले से जुड़ा हो और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो, इसलिए ये एक ट्रस्टेड नेटवर्क भी है। कोई कंप्यूटर, रोबोट या मशीन इसमें नहीं जुड़ सकता। एक इंसान अपनी एक ID से सिर्फ एक मोबाइल से ही ज्वाइन हो सकता है। आपको अगर ज्वाइन होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जुड़ सकते हैं। ये एक ट्रस्टेड इनविटेशन कोड है, जिसमें कई सारे लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार का इनविटेशन कोड भी डाल सकते हैं। पाई नेटवर्क में अब तक 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पिछले 2 साल में जुड़ चुके हैं। अब जानते हैं पाई ऐप काम कैसे करता है। एक तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको कहीं एक रुपया भी नहीं देना है। गूगल ऐप स्टोर या आईफोन के स्टोर पर से ये डाउनलोड कर सकते हैं और ये दोनों ही ट्रस्टेड हैं। पाई एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और इसमें मोबाइल फ़ोन नंबर या फेसबुक दोनों से लॉगिन कर सकते हैं, पर मोबाइल फ़ोन से ही करें। पहले कंट्री सिलेक्ट करें और फिर अपना मोबाइल नंबर टाइप करें।
आप अपना सही नाम डालकर रजिस्ट्रेशन करें। उसी नाम का उपयोग करें जो नाम आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर लिखा है। यहाँ इन्विटेशन कोड डालें और नेक्स्ट करके ये स्क्रीन पर आ जाएं। यहाँ सिर्फ आपको एक बार टैप करना है और ये अपना काम शुरू कर देगा। यहाँ ये तीन लेवल है, पहला पायोनियर, दूसरा कंट्रीब्यूटर और तीसरा एम्बेसडर। पहले 3 दिन तक हर 24 घंटे में एक बार आपको ये ऐप खोल के ये ग्रीन वाले बटन पे यहाँ टैप करना है। याद रहे, अपने मोबाइल का इंटरनेट या वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद ही ये एप्लीकेशन चालू होगा। दिन में एक बार टैप करने के बाद आप इसे बंद भी कर सकते हैं। पाई ऐप को 24 घंटे चालू रखने की ज़रूरत नहीं है। पाई आपके मोबाइल फ़ोन का परफॉर्मेंस कम नहीं करता है या मोबाइल की बैटरी भी डैमेज नहीं करता है। ये पाई ऐप आपके नेटवर्क डेटा का उपयोग भी नहीं करता है। एक बार लाइटनिंग बटन दबाने के बाद आप ऐप को बंद ही करते हैं तो पाई कॉइनिंग की माइनिंग चालू रहती है। यह ऐप से आप पाई नेटवर्क में बिल्कुल फ्री में एक क्लिक से पाई कॉइन माइनिंग कर सकते हो। पाई कमाना शुरू करने के लिए हर 24 घंटे में इस ऐप को खोलें और माइनिंग शुरू करने के लिए लाइटनिंग बटन दबाएं। पहले 3 दिनों के माइनिंग के बाद ही आप कंट्रीब्यूटर लेवल पर आओगे। कंट्रीब्यूटर बनने के बाद आप अपने नेटवर्क में शामिल होने के लिए अपने मित्रों और परिवार को आमंत्रित करके उन्हें अपने नेटवर्क में जोड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे आपकी माइनिंग स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। जब सदस्य एक दूसरे को भरोसेमंद मानते हैं तो पाई अपने बही खाते को सुरक्षित करता है। यही इंटरलॉकिंग सिस्टम पाई सिक्योरिटी सर्कल का एक नेटवर्क बनाता है। इसलिए ये पाई नेटवर्क असली है, लेजिट है, सच में काम करता है। ये कोई स्कैम या घोटाला नहीं है। आप पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें लॉस जैसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, हमें यह बोलने के लिए किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है या पैसे नहीं दिए हैं। ये एक अच्छी जानकारी है जो भविष्य में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए यह पूरा वीडियो हिंदी में बनाया है ताकि इंडिया में एक साधारण इंसान भी समझ सके और इसका लाभ ले सके। अब जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी है। क्या मैं पाई को रुपये पैसे में या डॉलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? पाई से कुछ खरीद सकता हूँ? तो अभी पाई कॉइन की वैल्यू 0 है, पर आप अभी इसको माइनिंग करके इकट्ठे कर सकते हो। यानी आप इससे कुछ खरीद नहीं सकते और इसको पैसे में या डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाई प्रोजेक्ट का तीसरा चरण यानी थर्ड स्टेप, जिसे मेननेट कहा जाता है, वो शुरू नहीं हुआ। ये 14 मार्च 2022 को शुरू होगा। जब बिटकॉइन की तरह इसका भी कॉइन मार्केट में लिस्टिंग होगा तब उसकी वैल्यू का पता चलेगा और तब इसका ट्रेडिंग शुरू होगा। तब जिसके पास पाइन कॉइन होंगे वो इसे बेचकर पैसा कमा सकते हैं। अभी आप पाई नेटवर्क ऐप डाउनलोड करके 3-4 दिनों तक टेस्टिंग कीजिए और इसका वाइट पेपर पढ़िए। पाई के नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जानकारी मिलेगी, जैसे कि कंट्रीब्यूटर बनने के बाद एम्बेसडर लेवल पर कैसे आएंगे, अपना सिक्योरिटी सर्कल कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, पाई वॉलेट क्या है, मेननेट चेकलिस्ट के 4 स्टेप कैसे क्लियर करेंगे, अपना KYC कैसे अपडेट करेंगे और लॉकअप रेट को कैसे कन्फिगर करना है ताकि आप पाई का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें। तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए जानते रहें, सीखते रहें और मेटा मित्र YouTube चैनल से जुड़े रहें। मेरा मित्र, मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।